नाजरीन की खिदमत में सलाम आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। आज डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन लद्दाख ने यूटी लेवल पे साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट का एग्जीबिशन इनकाद किया, जिसका टॉपिक था टेक्नोलॉजी एंड टॉय। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे और बच्चियों ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के जानिब से इंडोर स्टेडियम के अहाते में टेक्नोलॉजी एंड टॉयज के इनवान पर एग्जीबिशन का इनकाद किया गया, जिसमें यूटी सतह के दोनों अजला के स्कूलों के तलबा व तालिबात ने शिरकत की और मुख्तलिफ मौजूआत पर अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए, जिसके बाद साइंटिफिक इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पर एक रोजा सेमिनार का भी इनकाद किया गया, जिस दौरान अलग अलग मजामीन के माहिरीन ने मुख्तलिफ मौजूआत पर रोशनी डाली। आखिर में नुमाया कारकिर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा व तालिबात को मोमेंटोस और इंसनात तकसीम की। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। ये आपका नाम? फातिमा सुबह, क्लास 11th। आप अपने मॉडल को हमें एक्सप्लेन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मॉडल है, एज यू नो, डिस्मेन्यूरा, व्हिच इज़ आल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल क्रेम। इट्स अ मेजर इशू फॉर फीमेल, स्पेशली फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स। वी मिस आर इंपॉर्टेंट क्लासेस एंड एग्जाम्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेन। सो टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन, वी यूज सम कॉमन मेथड्स, लाइक वी अप्लाई हीट ऑन आर एब्डोमेन एंड बैक रीजन एंड डेफिनेटली वी गेट रिलीफ। एंड सेकंड कॉमनली यूज मेथड इज दैट इज वी टेक पेन किलर्स ड्यूरिंग आर पीरियड्स, बट इट हैज़ मेनी साइड इफेक्ट्स, लाइक कैन डैमेज आर वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर, हार्ट and create complications during pregnancy, may leads to miscarriage also. So keeping all these problem view, we made this project. Our main motto of our project is that females can get relief from this dysmenorrhea. So what we do is, these are piezoelectric plates. These piezoelectric plates will convert the mechanical energy into electrical energy. जब हम चलेंगे इस पे एक मैकेनिकल स्ट्रेस एक्ट होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा वो इस बैटरी में स्टोर रहेगा। इसको हमने फर्दर अपने इस सर्किट के साथ कनेक्ट किया है। ये रियोस्टेट है, ये हमारे करंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें अपने सर्किट में कितना करंट फ्लो कराना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ये एमीटर डिटेक्ट करेगा, और ये वोल्ट मीटर हमारे इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डिटेक्ट करेगा। अपने मॉडल को हमें एक्सप्लेन कीजिए। लद्दाख जो ये एक ठंडा इलाका है, जिसे कोल्ड और ड्राई डेजर्ट भी कहा जाता है, इसलिए हमने रेमार चूज़ किया है। रेमार जो एक इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल रियूसेबल ना पोल्यूशन फ्री है, इसलिए हमने रेमार चूज़ किया है। पहले रेमार बनाने के लिए एक फ्रेम तैयार करना चाहिए, उसमें से पहला लेयर ऑफ अर्थ डालना चाहिए, फिर उसको कंप्रेस करना है, इतना कंप्रेस करना कि जितना कि वो इतना कंप्रेस करना कि जितना वो मेटेलिक आवाज़ ना करे। वही करते करते स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते करते फिर एक वॉल तैयार होगा। उस वॉल तैयार होने के बाद उस फ्रेम को हटा देना चाहिए, फिर रेम आर्ट का वॉल बन जाएगा। फिर उस रेम आर्ट का थिकनेस जो 300 मिलीमीटर मीन्स 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लेंथ फर्स्ट लेयर ऑफ लेंथ 18 इंच होना चाहिए, ताकि वो लोड बेयरिंग हो सके। ऊपर भी हम छत ऊपर भी और कमरे बना सके। फिर हमने रूफ़ में ये पूरा मॉडल हमने इंसुलेशन के लिए बनाया, क्योंकि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है ना, इसलिए हमने ये मॉडल बनाया है। हमने छत में इंसुलेशन के लिए पेपर पल्प टालू दूंगा, जो कि लद्दाख की ट्रेडिशनल है, टालूर दूमा याग्जास यूज़ किया है, ट्रेडिशनल है। इसमें हमने नया क्या बनाया है कि यमास अब्दुल सोले। आपकी क्लास का नाम? क्लास 10th। आप अपने मॉडल को हमें एक्सप्लेन कीजिए। सर मैम, हमने मॉडल को इस तरह से बनाया गया है कि हमारे लद्दाख को देखकर कि हमारे लद्दाख में आजकल जैसे जैसे मॉडर्नस बढ़ते जा रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न टॉयलेट को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ तक आने का मकसद ही ये थीम यही है, अशावल फुल ऑफ सॉइल इज़ बेटर देन अ बकेट फुल ऑफ वाटर। सर अगर इसको हमारे लद्दाखी लैंग्वेज में कहा जाए तो खेम बल्टिंग शुभ से खेम गंग सर गलपाइन, इसलिए कहा गया क्योंकि देख सकते हैं मैम, थोड़ा हमने ये रहा हमारा लोकल टॉयलेट और रहा हमारा मॉडर्न टॉयलेट। लोकल टॉयलेट को हमने पहले से थोड़ा मॉडर्नाइज करके बनाया है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया सर, इसको 6 मंथ के लिए यूज़ होगा और ये 6 मंथ के लिए यूज़ होगा। हाँ, क्योंकि ये फुल होने की वजह से, क्योंकि हम 1 ईयर तक या जब तक हमारा एग्रीकल्चर का टाइम नहीं आता तब तक हम मैन्योर को नहीं निकालते, जब तक जब हमारे
एग्रीकल्चर के टाइम आते हैं तो हम मैनूअर को निकाल कर एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, जब भी टाइम आते हैं वो उसको फील पर ले जाते हैं या ट्रैक्टर के थ्रू में। तो इससे क्या होगा मैम, जो भी हमारे ये ह्यूमन एक्सट्रा करने के बाद हमारे उसमें बैक्टीरिया माइक्रोजन न्यूट्रंस वो मिक्सअप होकर फुल मैनूअर बन जाएगा 1 month या 1 year या 8 months में। ये यूटी लेवल एग्जीबिशन था जहाँ पे लेह और कारगिल के मुख्तलिफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपना मॉडल जो है रिप्रेजेंट किया पेशे